हेलो दोस्तों, डाइक किसान में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए मैं 5 मिनट टेक न्यूज लेकर आ गया हूँ। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। मैं आपके लिए ऐसी डेली टेक न्यूज लेकर आता रहूँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, पहले मैं एक कॉलेब्रेशन करने वाला था एक लड़के के साथ, जिसे टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूम थी और उसका यूट्यूब पर भी चैनल है। अब दोस्तों उसके 2-3 दिन बाद पेपर है, इसलिए वो पेपर की तैयारी कर रहा है। अब कॉलेब्रेशन तो नहीं कर पाएगा। पेपर खत्म होने के बाद देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। पहले टाइम वैसे ही करते हैं, अच्छी टेक न्यूज हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्स की शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम वन प्लस से। तो हमारे पास वन प्लस की सबसे खबर निकल आ रही है, वन प्लस अपना वन प्लस 8 लाइट लेकर इंडिया में आने वाला है। सुनने में हमारे ऐसा है आपको उसमें डुअल कैमरा देखने के लिए मिलेगा रियर में, साथ में आपको लेजर ऑटो फोकस मॉड्यूल भी इसमें देखने के लिए मिलने वाला है और आपको उसमें एक LED फ्लैश लाइट भी देखने के लिए मिलेगी। और अब फ्रंट कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो आपको फ्रंट में पंच होल डिस्प्ले मिलेगी। वैसे भी ये बता नहीं गया है कैमरा कितना मिलेगा आपको उस फोन में। और आप इसके कैमरे से 360 डिग्री तक वीडियो बना सकते हैं। वैसे कैमरे के स्पेशल तो अच्छे हैं, देखते हैं किस प्राइस में लेकर आता है। अगर मेरे पास इसकी और भी हो रही है तो मैं आपको अगली टेक न्यूज़ में बता दूंगा। अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास आ रही है वो व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप में उन्होंने एक न्यू फीचर ऐड किया है कॉल वेटिंग का। वैसे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आप कॉल होल्ड नहीं कर सकते। जैसे आप नॉर्मल कॉल में होल्ड करते हैं, दूसरे से बात कर लेते हैं, ऐसा इसमें नहीं होगा। आपको पहली वाली कॉल काटनी पड़ेगी, उसके बाद आप दूसरी कॉल को रिसीव कर सकते हैं। वैसे उन्होंने फीचर देके काफ़ी अच्छा करा और ये मुझे फीचर काफ़ी अच्छा लगा। देखते हैं आगे क्या होता है व्हाट्सएप में। वैसे सुनने में तो बहुत आया था डार्क मोड आएगा, ये आएगा, वो आएगा, अभी तक तो आया नहीं है। जैसे ही आएगा मैं आपको अगली न्यूज़ में बता दूंगा। अगली न्यूज़ के बारे में बात करते तो हमारे पास आ रही है Redmi K30 की तरफ से। सुनने में हमारे ऐसा आ रहा है Redmi K30 में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिलेगा। साथ ही साथ जो आपको उसमें GPU देखने के लिए मिलने वाला है, वो आपको डुअल फ्रिक्वेंसी GPU उसमें देखने को मिलेगा, जिसकी पोजीशन काफ़ी एक्यूरेट आने वाली है। और बता देता हूँ आपको उसमें स्पीकर भी देखने के लिए मिलेंगे, कुछ अलग तरीके के स्पीकर इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ आपको उसमें क्वाइट कैमरा देखने के लिए मिलेगा। वैसे अभी इसकी कैमरे की डिटेल्स नहीं है आपको कितने मेगापिक्सल का इसका कैमरा देखने के लिए मिलने वाला है। वैसे पहले मैंने आपको डिटेल्स तो बता दी थी, 64 मेगापिक्सल IMX686 के साथ। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसमें देखने के लिए मिल जाती हैं। ये फ़ोन 10 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। वैसे आज 7 तारीख हो गई है, अब कुछ ही दिन बचे हैं। अगली न्यूज़ के बारे में बात करते तो हमारे पास आ रही है वो iPhone की तरफ से। वैसे सुनने में ऐसा है जो फिंगरप्रिंट सेंसर सैमसंग यूज़ करता है अपने फ्लैगशिप फ़ोन में, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, वो अब 2020 में एप्पल भी यूज़ करने वाला है। वैसे देखते हैं ये एप्पल फ़ोन में कितना एक्यूरेट होता है और कितनी टाइम लगता है फ़ोन को खोलने में। वैसे सुनने में तो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, अब एप्पल आईफोन में भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलने वाला है। वैसे जो एप्पल यूज़र्स हैं आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको खुशी हो रही होगी ये बात जानकर। लास्ट टाइम इसके बारे में बात करते तो हमारे पास आ रही है वो सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का जो S10 Lite है और Note 10 Lite है, वो आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है। वैसे ही फ़ोन अगले साल लॉन्च होंगे, इसके हमारे पास कुछ लीक्स आई है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर इमेज देख रहे होंगे, तो आपको उसमें पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाली है। 2 फोन है और ये दोनों फ़ोन अलग अलग है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट के बारे में। तो आपको इसमें एस पेन देखने के लिए मिलेगा और आपको उसमें 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ 12 मेगापिक्सल कैमरा आपको रियर में मिलेगा और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने के लिए मिलने वाली है। वैसे समझ में नहीं आ रहा ये 12 मेगापिक्सल का कैमरा रियर में दे रहे हैं, पता नहीं है वो थर्ड कैमरा होगा, फोर्थ होगा या फर्स्ट होगा। और दोस्तों आपको जो उसमें प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है, वो एक्सिनोस का 9810 वाला आपको उस पर प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। वैसे स्पेसिफिकेशन तो काफ़ी अच्छी हैं। अब हम बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 Lite के बारे में। तो आपको जो उसमें प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है, वो स्नैपड्रैगन 855 वाला होगा। साथ ही साथ आपको उसमें 8GB की रैम मिलेगी, 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और दूसरा जो कैमरा बताया जा रहा है वो 12 मेगापिक्सल का, और तीसरा कैमरा आपको उसमें 5 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलेगा। वैसे बताया जा रहा है ये अगले साल लॉन्च होंगे। और भी इसकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज़ पे इतनी। अगर आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी डेली टेक न्यूज़ लेकर आता रहूँगा और आपको ऐसी अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।